मुरादाबाद के खुशालपुर रोड पर शगुन मंडप में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में कथा प्रारंभ होने से पूर्व विधि विधान से पूजा अर्चना की गई तथा मुख्य यजमान शलभ शर्मा, छाया शर्मा और ए आशी शर्मा को कथा मंच पर आसन ग्रहण कराया गया। कथा व्यास हरीशचंद मिश्रा ने रुक्मणी कृष्ण के विवाह का प्रसंग सुनाया। रुक्मणी विवाह प्रसंग ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कथा व्यास हरीशचंद ने भागवत कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उन्होंने बताया कि रुक्मणी विदर्भ देश के राजा अभीष्म की पुत्री और साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी। रुक्मणी ने जब देवर्षि नारद के मुख से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य और गुणों की प्रशंसा सुनी उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण से विवाह करने का निश्चय किया। मुख्य आकर्षण का केंद्र भगवान कृष्ण रुक्मणी के विवाह की झांकी रही। सभी को खूब आनंदित किया। रुक्मणी विवाह के आयोजन ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। महाआरती प्रसाद वितरण हुआ। इसमें आयोजन शर्मा परिवार की ओर से महाआरती के पश्चात प्रसाद का वितरण हुआ, जिसमें आयोजक शर्मा परिवार की ओर से रुक्मणी कृष्ण विवाह की खुशी में उपहार बांटे गए। मुख्य रूप से आलोक शर्मा, अनुज शर्मा, अतुल जौहरी, राजकुमार शर्मा, दीपा बिष्ट, गीता बिष्ट आदि लोग मौजूद रहे। श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह ये पितरों के लिए की जाती है, पितृपक्ष के महीने में की जाती है, जिससे कि पितरों को मोक्ष मिले। ये 7 दिवसीय है और कल दोपहर 2 बजे खुशालपुर में भागवत कथा का प्रोग्राम हो रहा है, जो पंडित हरिचंद मिश्रा जी द्वारा किया गया। ये पितरों की शांति के लिए किया जाता है। पितरों की शांति, पितरों की। और ये भागवत चल रही है हमारी, यहाँ आज हमारा 6ठा दिन है और ये सौरभ शर्मा जी ने करवाई है और इनके धर्मपत्नी छाया शर्मा जी के अपने पितरों के नाम पे करवाई है और हम लोग बहुत आनंद के साथ यहाँ इसका आयोजन में हम शामिल हो रहे हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है।